इंडी गठबंधन से सवाल है कि उन्होंने ऐसा कौन सा विकास कार्य किया है जो वो हमारे प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं। जवाब दीजिए कमलाकर जी। देखिए नविका जी, हमने नौजवानों को एम्पावर करने के लिए उनको अप्रेंटिसशिप्स करा करके सालाना 1 लाख रुपए देने की बात की। हमने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने की बात की। हम किसानों की एमएसपी की बात करते हैं, ये किसान आंदोलन में उनको रोकने के लिए कांटे बिछाते हैं, उनको देशद्रोही बोलते हैं, उनके ऊपर आतंकवादी बोलते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, इनको पीड़ा में हंसी आती है। बेसिक चीज ये है, जनता के चीजों को लेकर के राहुल जी ने देश भर में पदयात्राएं की और अपार जन समर्थन मिला, और जनता की चीजों को लेकर के आज हम इंडिया गठबंधन के साथ अपने सारे सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए मैं मान लेती हूँ आपका दावा। कांग्रेस पार्टी 328 सीटों पर लड़ी है, 50% मतलब 164 सीटें आएंगी। जो सबसे अच्छा सर्वे आया है, जो सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है, वो भी 100 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, और आप कह रहे हैं आप अगला चुनाव बनाएंगे। चलिए कुछ भी हो सकता है, चुनाव है, लेकिन जनता जनता आसानी से क्यों नहीं मान रही आपकी बात। संदीप वाराणसी से पूछ रहे हैं सवाल, और आदित्य शिवमणि मिश्रा भी पूछ रहे हैं। दोनों सवाल सुनते हैं और फिर मैं जवाब लूं। राहुल गांधी कहते हैं कि लिख कर रख लो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली बनारस से चुनौती क्यों नहीं दी। आदित्य शिवमणि मिश्रा का भी सवाल। नमस्कार, मैं आदित्य शिवमणि मिश्रा, मैं काशी मेरी जन्मभूमि है और बाबा विश्वेश्वर नगरी से मैं नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि जितने लोगों को यहां से, जो यहां के मूल निवासी हैं, जिनकी तीन पीढ़ियां इस जगह का निवास कर चुकी हैं और उनके विकास के आड़ में गलत तरीके से उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको बसाने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि बनारस को ये आधुनिकीकरण में लोगों को जो हटाया जा रहा है उनका क्या होगा। देखिए, लोगों को कहां हटाया जा रहा है, जो बनारस के काशी कॉरिडोर में लोग हटे उनको सरकार ने अपना मुआवजा दिया, और सारे वो हटने वाले लोग बाहर, उन्होंने बड़े बड़े मकान आलीशान बनवा लिए। ये कहना गलत है कि जिसको उजाड़ा जा रहा है बनारस से, किसी बनारस से कौन उजाड़ सकता है। काशी विश्वनाथ अगर किसी को नहीं उजाड़ेंगे तो बनारस से कौन किसको उजाड़ देगा। सवाल यह है, बनारस में विस्थापन हो सकता है, विकास हो गए तो इधर उधर घर हो सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन बनारस में बनारसियों के चाल चरित्र और उनकी संस्कृति को बिगाड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। इसलिए उन्होंने नारा दिया, विरासत भी चाहिए, प्रतीच प्राची का मेल सुंदर चाहिए। प्रतीच भी है और प्राची भी है। काशी का काशीपन बचा हुआ है, काशी का विकास हुआ है, काशी के लोगों ने कभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देखने की नहीं सोचा था, काशी के लोगों ने कभी रोपवे देखने की बात नहीं सोची थी, काशी के लोगों ने कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने की बात नहीं सोची थी, काशी के लोगों ने ये चमचमाते घाट का रूप नहीं देखा था, जब रात के समय घाट वाक होंगे, तो काशी का श्रृंगार किया नरेंद्र मोदी ने, काशी का परिवर्तन किया। ये तो आप मानेंगे भाटी जी, काशी का श्रृंगार तो हुआ है। नाविका जी, जब कबूतर को बिल्ली पकड़ने के लिए आती है, बिल्ली झपट्टा मारती है तो कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है, उससे बिल्ली का खतरा कम नहीं होता। यही हमारे बीजेपी के मित्रों की आदत है कि जब इनके समस्या बताई जाती है ये समस्या की तरफ से आंख मूंद लेते हैं। आप बिल्ली हैं, सच्चाई है, आप बिल्ली हैं और ये कबूतर। अयोध्या में और काशी में सुन नहीं भागते, नहीं सर, आप गलत बोलिए। नहीं नहीं, आप हाथ जोड़ कर निवेदन है, जहाँ पे आप बिल्ली बना रहे हैं, आप चूहा बना रहे हैं, बनारसियों का बिल्ली चूहा बना देंगे। बनारसी बिल्ली चूहा नहीं है, बिल्ली तो विपक्ष है, आपको कबूतर बना रहे, भाषा मत बोलिए ना, क्यों बिल्ली चूहा की बात कर रहे हैं। भाटी जी अब कृपया बीच में न बोलें। पहली बात तो चूहा शब्द मेरे मुंह से निकला ही नहीं, तो बिल्ली है तो चूहा होगा। गर्मी ज्यादा है महाराज, क्या करिएगा, गर्मी ज्यादा इसलिए राहुल गांधी पानी डाल रहे हैं। हमारे बोलना, अगर बोलने नहीं दोगे तो हम तो गंगा की लहर में घूम रहे हैं। भाषण ऊपर अपने आपको नॉन बायोलॉजिकल तो नहीं बता रहे हैं नविका कुमार जी, आप ही के शो में मैंने देखा था। कृपया मुझे समय दिया जाए, मुझे बोलने बताने लगे, मेरे मेरे शो में नहीं था, लेकिन भाटी जी
ये मैंने कहा था कबूतर आंखें मूंद लेता, कबूतर बीजेपी है, हर चीज को धर्म समझ जोड़िए, हर चीज को मंदिर समझ जोड़िए, हर चीज को ईश्वर समझ जोड़िए, ये सच्चाई है। काशी में और मथुरा में सैकड़ों गरीबों के घर गिराए गए हैं, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, सैकड़ों महंत उजाड़ दिए गए हैं, केवल बड़े बड़े लोगों की सुनी जा रही है, गरीब आदमी की सुनवाई बीजेपी के शासन में नहीं हो रही है। गरीब आदमी की सुनवाई कुछ कह दूं, मैं कुछ कहूं, एक मिनट हर्षवर्धन जी फिर आपके पास। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग बहस करते हैं, तो अब जब बनारस की बात हो रही है तो ठीक है, कमलाकर जी कौशल जी यही के हैं, लेकिन हम भी तो प्रयागराज के हैं। जितना काम बुनकरों और कारीगरों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ। यहाँ के जितने पावर लूम थे, जितने दरी के कारपेट के कारखाने थे, सब बंद होने की कगार पर थे, और उनमें से बहुतायत किसके थे, वो सब मुस्लिम समाज के लोग थे। बुनकर कौन है, कारीगर कौन है? और इस बनारस के आसपास जिसको हम कहते हैं कि लघु और मध्यम उद्योग, वो तो समाप्त हो गए थे, समेट लिया था सबने कारोबार। नए सिरे से एक्सपोर्ट शुरू हुआ और इस शहर को कारोबार के लिहाज से, उद्यम के लिहाज से, और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये काशी अजर अमर अविनाशी है, किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं किसको बनाएगा बिगाड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि किसी का घर उजाड़ दिया गया, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, एक नाराज व्यक्ति लाकर दिखा दीजिए, इतना मुआवजा दिया गया है जो शायद कल्पना में नहीं था। और मुझे चूंकि जानकारी है, मैं तो जानता हूं ना, जितना जिसने मांगा उतना उसको मिला, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग थी, एक भी व्यक्ति नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। और शायद यही वजह है, शायद यही वजह है कि बड़ी कोशिश करके भी कांग्रेस और सबको कोई नाराज नहीं मिला, काशी विश्वनाथ धाम बन गया, भगवान बता, लोग भी प्रसन्न हो गए, घाट भी बन गया। का ये और यही मुश्किल है, देख रहा हूँ मुश्किल पत्रकारिता में, नहीं नहीं, जितना जिसने मांगा उसको मिल गया। आभार मोदी जी, क्या बात है, ये संकट समझिए, कांग्रेस वाले तो मुसलमान भी किसी कुछ भी, आप हिंदू मुसलमान पे क्यों ले गए? अरे क्या इसके बिना आपका काम नहीं चलता? इसमें मुसलमान शब्द किसी ने नहीं बोला, इसमें मुसलमान बार आप ले आए, मुसलमान बता रहा हूँ कि क्या इसके बिना काम नहीं चलता? नहीं नहीं भाटी जी, मुस्लिम कारीगर भी हो रही है, बात गरीब की हो रही है, आप हिंदू मुसलमान की हो ही नहीं रही। क्यों नहीं होगा? वो भी यहाँ है, वो भी यहाँ है, क्यों करते आप नहीं चाहते? भाटी जी आप भी कहने से काम नहीं मुसलमान, आप हिंदू मुसलमान पर ये कह रहे हैं। राहुल गांधी जी नाम लेंगे, हमारा भाई है वो। अरे राहुल गांधी जी जैसा भाई है वैसा हमें भी पता है, सपा नकवी जी, सपा नकवी जी, तभी मोदी जी कह रहे हैं मेरे जीते जी मुसलमान को आरक्षण नहीं होगा, तभी मोदी जी कह रहे हैं अपने भाई के खिलाफ, सपा नकवी जी पर आरक्षण की बात, अपने भाई के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आरक्षण की बात हो रही है, जो संविधान में नहीं है। नहीं नहीं, कविता से पहले लोगों के सवाल हैं, पब्लिक के सवाल हैं। मंजू का भुवनेश्वर से सवाल है, राहुल गांधी रैली में सिर पर पानी छिड़क रहे हैं, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पब्लिक उन्हें कूल कूल नेता मानने लगी है? और श्रुति मिश्रा रायगढ़ 36 से सवाल पूछ रही है कि सभा जी बीजेपी को कितनी सीटें, अपना आकलन बताइए, और कांग्रेस को कितनी सीट? क्या उत्तर प्रदेश का पूछ रही है? मुझे पूरा आपके हिसाब से, क्योंकि खास आपके लिए सवाल आया, मेरे हिसाब से या तो बीजेपी मैनेज कर लेगी या गिरेगी, लेकिन 300-400 तो हो ही नहीं रहे हैं। नहीं, पर मैनेज कर लेगी मतलब कितने मैनेज कर लेगी वो मुझे पता नहीं नविका जी, वो 272 से ऊपर के नीचे, नीचे 272 से थोड़ा नीचे, 272 से नीचे। श्रुति जी 272 से नीचे, यानी फुल मेजोरिटी नहीं आने वाली। आज सभा नकवी जी ने पहली बार अपना नेक स्टिक आउट किया है, नहीं करना था लेकिन नविका जी इसमें सभा जी ने कर दिया, उन्होंने कहा बस थोड़ा सा नीचे बीजेपी तो बनारस में है, चंदौली में है, तो देख के बता रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल हमेशा सुनती हूं नविका, आपकी मैं फंस गई हूँ इसमें, क्योंकि आप फंस गई हैं, मैं फंस गई हैं, मैं फंस गई हूँ। वाणी से जो आया वो रिकॉर्ड
हो गया है, तो अब उससे वापस नहीं जाया जा सकता, क्योंकि कम भी हो सकता। निकलने पे सुन लीजिए, देखिए आप किसी के वो इंस्टिगेट करके निकलवा लीजिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन स्थिति ये है कि मोदी जी के इतनी गर्मी चढ़ गई है दिमाग में, सत्ता की गर्मी, हारने की बौखलाहट, ये सारी चीजें मिलकर के बौखलाहट किसकी, वो स्वयं अपने आप को भगवान बता रहे हैं, भगवान द्वारा प्रायोजित तो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जब तक किशोर जी जवाब, अब जो है भगवान के द्वारा भेजा गया हो गया, ये भगवान के भेजा द्वारा, हम भी हैं, आप भी हैं, सारे लोग भगवान के द्वारा भेजा गया, ये गलत बात है, सभी लोग को संबित पात्र को भगवान ने भेजा, माफी मांगनी पड़ेगी, सभी को भगवान ने भेजा है, भगवान की बात मत करिए, मोदी जी के ऊपर गर्मी चढ़ गई है, मोदी जी अहंकार में है, मोदी जी अहंकार, गालियों के हिसाब से तो आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 101 गालियां दी गई हैं उन्हें, जब किसी ने लिस्ट बनाई, उनका दलाल कहा गया, गंदे नाली का कीड़ा कहा गया, गाली आप दे रहे हैं और दुनिया भर की बात कर रहे हैं, नेहरू को दे दी होंगी, बाकी भी अलग है, जर्सी काउ किसने इस्तेमाल किया था, ये कौन सी बात है, जर्सी काउ किसने इस्तेमाल किया था, गाड़ी के नीचे पिल्ले आ जाते हैं, किसने इस्तेमाल किया था हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए। लेकिन पब्लिक और भी सवाल पूछना चाहती है, आस्था का लखनऊ से सवाल है, चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद मोदी जी कन्याकुमारी जा रहे हैं, राहुल गांधी का भी कहीं का प्लान है, कुछ पता है? राहुल जी का प्लान यही इसी देश में सरकार बनाने, हाँ चुनाव के बाद मोदी जी कन्याकुमारी चले जाएंगे, क्योंकि वहीं से जहाज वहाज पकड़ करके कहीं चले जाएंगे, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है, सरकार बननी नहीं है, राहुल जी सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मतलब है नहीं अभी वो कन्याकुमारी।